समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए, अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा देखे ना, कि ये बै थे नीजे और ये निज जाए, ये समाजा काबू जब ये सीरी हत बाई। आपने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरी बेटी सीता का क्या होगा, क्या होगा इस अभागे पिता का। मैंने तो पढ़ किया था कि जो इस अजगर का खंडन करेगा उसी के साथ मेरी बालिका का पाणिग्रहण संस्कार होगा। और आप लोग यहां पर सीरियत हो गए, क्या करूंगा मैं, क्या करेगी मेरी रानी सुनैना। कैसे धैर्य बनाऊंगा रानी सुनैना को, कैसे समझाऊंगा अपनी बेटी सीता को। आज जब सीता मुझसे कहेगी आपने ये क्या कर डाला, क्या उत्तर दूंगा। मेरे मित्रों, आज तो मेरी दशा ऐसी हो गई जैसे किसी बेटी की बारात दरवाजे पर आ जाए और वो बारात किसी कारण बस खाली वापस लौट करके चली जाए। क्या होगा उस पिता का, क्या होगा उस माँ का, क्या होगा उस बेटी का। हाँ वो कहे कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुआरी। ये राजा बेटी मेरी आज कुआरी,
हर पिता, संसार में कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो अपनी बेटी का लालन पालन न करता हो। संसार की प्रत्येक मां और संसार का प्रत्येक पिता अपनी बेटी का लालन पालन करते हैं। मैंने भी किया, बड़े अनुमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ता हमारा या हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई। अगर जानता तो क्या ऐसा पण करता, कदापि नहीं करता। आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। राजा बेटी मेरी आज कुआरी रही, ये सीता बेटी मेरी आज कुआरी रही। देख रहा हूं इस समाज की ओर, बहुत से पिता बैठे हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं। इस समाज में भी ऐसे पिता बैठे हैं मेरे बंधुओं, जिनके घरों में बेटियां हैं। ऐसी भी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई है, आज वो बेटियां विवाह योग्य हो गई है। पूछो उस पिता से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, पूछो उस मां से जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाए। उस मां को रात्रि में निद्रा नहीं आती, उस पिता को चैन नहीं आता कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं, तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावा बेवाई ये फटी नहीं, तो वह पीरे पराई क्या जाने। क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, क्या जानेंगे वो लोग। कुछ लोग कहा करते हैं कि महाराज बेटी तो पराया धन है, पराया धन है बेटियां। ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता।
कि बेटी पराया धन है। मेरे बंधुओं, अगर बेटी पराया धन है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन है, ये बेटी तो पराया धन है। अगर ये बेटी पराया धन है तो क्यों करते हैं आप लोग कन्यादान, क्यों देते हैं दान, अगर बेटी पराया धन है? क्या पराया धन का कोई दान करता है? ना, कदापि नहीं। दान अपनी वस्तु का होता है, पराये की नहीं। अगर ये बेटी पराया धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान, क्यों देते हैं धन, अगर ये बेटी पराया धन है? बेटी पराया धन नहीं है, बेटी अपना धन है, अपना धन है बेटी। और अगर मैं आपकी बात को स्वीकार भी कर लूं तो याद रखना मेरे बंधुओं कि बेटी लाखों ये पराया धन है। याद रख लेना मेरे मित्रों, अगर मैं आपकी बात को मान भी लूं, आपकी बात को मैं स्वीकार भी कर लूं कि बेटी पराया धन है, तो एक बात मेरी याद रख लेना, और वो कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धन है, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर बेटी होती है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर बेटी होती है। क्या जाने वो लोग। और इसी प्रस्तुति में आप हैं सत्यम भाई, आपकी ओर से 21 मुद्राएं जनक जी के करुण कंदन में प्रदत्त हैं, साधुवाद। कुछ लोगों ने कहा महाराज आप बेटी और बेटे में भेदभाव कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहा हूं, भेदभाव कर रहा हूं? बोले हां महाराज। मैंने कहा ना भाई, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता है। एक सज्जन ने कहा महाराज बेटे से वंश चलता है, बेटे से कुल चलता है, बेटी से क्या है? इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, मैं हृदय से स्वीकार करता हूं मेरे मित्रों कि ये बात सत्य है कि बेटे से कुल चलता है, बेटे से वंश चलता है। लेकिन मेरी एक बात याद रख लेना, ये बात तो मैं आपकी मानता हूं कि बेटे से वंश चलता है, बेटे से कुल चलता है, लेकिन एक बात मेरी स्वीकार कर लेना, और वो कौन सी? कि बेटा गर कुल का ये दीपक। इस बात को मैं मानता हूं कि आपका बेटा आपका कुल का दीपक है, आपका वंश चलता है। लेकिन मेरे मित्रों एक बात और याद रख लेना बेटे के साथ साथ कि बेटा कर ये कुल का दीपक तो ये बेटी नैनों की ज्योति, ये बेटी नैनों की ज्योति, अब वो कार मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है, वो कार मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। संसार में आपका चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो,
आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करेगा, प्रीत करेगा, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ेगा। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे मित्रों कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे जैसे मैं बता दूं आपको कि बेटा भाई इस जगत में, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के ये वीर पर बेटी अपने ये निज पिता से अकरती साची प्रीत, ये बेटी अपने निजे पिता से अकरती साची प्रीत। भारतीय संस्कृत में पली हुई बेटी ससुराल में सब कुछ सहन कर लेगी, सब कष्टों को झेल लेगी, लेकिन अगर उसके पिता के खिलाफ कोई अपशब्द कहा गया तो याद रख लेना मेरे बंधुओं कि ये भारतीय संस्कृत में पली हुई बेटी अपने प्राण दे देगी, लेकिन अपने पिता के खिलाफ कोई शब्द। मैंने तो सोचा था ज्ञान की नगरी है मिथिला, और इस ज्ञान की नगरी मिथिला में आज सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे सभी पंडित शांत हो गए। क्यों? जीवन में मिल जाएंगे, संसार में आपको सब कुछ मिल जाएगा मेरे मित्रों, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है? जीवन में मिल जाएंगे, ये धर्म अकर्म हजार पल्ला अब पर ये कन्या दान जगे अमिले न बारम बार, पर ये कन्या दान जगे अमिले न बारम बार। क्या हो गया? यह मौन सभी क्यों, पंडित ज्ञानी मौन सभी हैं ये। आज सारे के सारे पंडित विद्वान मौन हो गए, शांत हो गए, कारण क्या हो गया? ये तो ज्ञान की नगरी है मिथिला,
पुनर्नाशंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो आज कहां गया ज्ञान, कहां चला गया आपका वो ज्ञान? याद आया, क्या याद आया? इस ज्ञानपुरी का ज्ञान कहां है, ज्ञान कहां है, कहां चला गया ज्ञान? जब याद किया मैंने तो याद आया, याद क्या आया? इस ज्ञानपुरी का ज्ञान कहां गया? इस ज्ञानपुरी का ज्ञान नगरी का ज्ञान कहां चला गया? अब वो मिथिला का सम्मान कहां गया, कहां है? और जब मैंने देखा इन्हें विद्युत का तब मान कहां है, तो इन राजाओं का सम्मान कहां है? बस ज्ञानपुरी का ज्ञान कहां है, ज्ञान कहां, बस कहना नहीं चाहता था, विवश कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए, बाध कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए। और जब बाध कर दिया, विवश कर दिया, तो मैंने भी आज कह दिया, क्योंकि मैंने जाना है, समझा है, कहता नहीं, कहना पड़ गया। बहुत देर चिसाया लाला, लेकिन आज कुछ नहीं, ये ज्ञान की नगरी है, कह देता, लेकिन सोचता रहा कहूं कि ना कहूं, लेकिन आज कह देना पड़ा। अब कहने का वक्त आ गया है, कहता नहीं, लेकिन आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया, आप लोगों ने बाध कर दिया, और जब विवश कर दिया, बाध कर दिया, तभी तो आज मैंने कह दिया। क्या कह दिया मैंने? मैंने जाना है। क्या जाना है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये आप जैनी को ये माखे भट मानी, क्यों? क्योंकि ये आप पीरे बीने, और ये मही मैं बात समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पिंड की पूर्ति कर दे। एक कार शेष रह गया है, अब वो कार कौन सा शेष रह गया है मैं बता रहा हूं। जिस कार को बताने जा रहा हूं उस कार को तुम्हें करना है। कौन सा कार? कि अब ताजा हो आशा, आशा को छोड़ दो, और करना क्या है कि अब निजे निजे गृह जाहू, क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखाना विधि पैते ही पिवाहू। ले जाओ सीता की सखियो, सीता को ले जाओ राजमहलों में, देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता सम्मेलन, समाप्त हो गया अधिवेशन, ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग, अमरीका रंग भगा दो नेपालों को, याद बात। देखिए राज समाज है,